गुड मॉर्निंग। आज है सावन का पहला सोमवार। सब हिंदू बहन भाइयों को मेरे पता होगा कि सावन का पहला सोमवार क्या मान्यता होती है। तो आज है हमारा फास्ट और मंदिर में मैं पूजा कर आई और फ्री हूँ और बात करती हूँ काली महिला की। आज उसकी व्हाट्सअप लगा रहे हैं लेकिन ये इतनी बेशरम औरत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए, इसने कहा जाहिल। जाहिल शब्द का तू डेफिनेशन जानती है? शायद तेरी डिक्शनरी में जाहिल शब्द की डेफिनेशन नहीं है। जाहिल है तू, जाहिल तू है, समझे? क्योंकि तुझे पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जाहिल किसे कहते हैं? जाहिल उसे कहते हैं कि जो जिस शब्द का अर्थ बिना पता हो उस शब्द को बोल देना, जाहिल कहते हैं तुझे। जाहिल कहते हैं कि तू वहाँ जाके जो तुम्हारे यहाँ बिना हलाल का खाया भी नहीं जाता वो तो उल्टा सीधा पता नहीं क्या खा के आई है, बेशरम औरत, जाहिल बोलती है बॉस को। अरे उसके तो तू पैर की जूती भी नहीं हो सकती, उनके यहाँ की तो उतरी हुई, उनके पैर की जूती उतरी हुई तू पहन लेगी तो तेरे लिए बहुत बड़ी बारी है। जिसने 15 लाख दे के अब जो सांस भी नहीं ले रही उसके पैर की जूती, उनका पहनना और ना बोलना, उन्हें अनपढ़ जाहिल। तू कितनी पढ़ी लिखी है दिखा, तू कौन से स्कूल से पढ़ी हुई है दिखा, समझे? तो क्या अपने आसमान में उड़ रही है? आसमान में मत उड़ जाता, आसमान में उड़ेगी ना तो मुंह के बल तो तू पहले से गिरी हुई है, तू समझे ना समझे, समझे? वो तू वो है जो बेशर्माई कि वो कहते हैं ना कि जिसने ओढ़ ली लोई तो उसका क्या करेगा कोई, तू वो है कि तूने बेशर्म की चादर इतनी ओढ़ ली है कि तुझे कोई कुछ भी कहे तुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? तो उनकी बात का जवाब दे रही है कि जाहिल, जाहिल तुझे पता है कि बच्चों को कब जरूरत पड़ती है? बच्चों को हमेशा ज़रूरत पड़ती है अपने पेरेंट्स की। और जाहिल तू है, तू अपने जवान जवान दो हाथियों को तू खिला रही है बैठ के। तू देख तू कितनी बदनसीब है, तेरे हाथ पे बच्चों की कमाई का कुछ नहीं, तू तीन तीन हाथियों को खिला रही है, तीसरा ये काला है तू उसे खिला रही है, उसके परिवार को भी पाल रही है, ले जाके दिया है। जाहिल है तू, तुझे समझ नहीं है, तुझे इंसान की पहचान नहीं है, तू है जाहिल, तू उन्हें जाहिल बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती। मैं क्लिप लगाऊंगी ये देखना कि नकली चीज़ें लगाकर, नखून लगाकर, नकली बाल लगाकर कौन पढ़ता है ये तुम्हारे पूजा पाठ की चीज़ें, देखना, समझे? तूने वहाँ एक दिन भी नमाज पढ़ी? एक दिन भी तूने पूजा की? तू तो बड़ी मस्जिद मंदिरों में जाती है, तू तो बड़े उसमें जाती है, क्या कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहाँ जाती है, दरगाहों पे। क्या तुझे वहाँ एक मस्जिद नहीं मिली? क्या तुझे एक वहाँ दरगाह नहीं मिली? तू जो है ना एक नौटंकी, पूरी नौटंकी, जो दिखावा करते हैं ना उसे नौटंकी बोलते हैं, तू है पूरी नौटंकी, समझे? बकवास करती है, बदतमीज़ औरत है, तो बदतमीज़ औरत है, समझे? वहाँ देख देख मैं तुझे बता, आगे आगे देखो वीडियो इसकी कैसी, मैं उधेड़ नहीं हूँ आज, अच्छी तरह से सुनाऊंगी। दूसरी भाई, अरे शीला भाई एक बात बता, तेरा बॉम्बे में कोई वेलकम करने नहीं आया तो इतनी दूर से आई? तेरा तो लड़का भी तुझे वेलकम करने नहीं आया, कितने शर्म की बात है बता। तेरा तो बड़ा लड़का भी तुझे वेलकम करने नहीं आया, अरे बेशरम, तेरी इज्जत ही कौन करता है? थोड़ी मजबूरी है उसकी, वो घर में रह रहा है इस वजह से, कौन तेरा, कोई मोहल्ले का तुझे वेलकम करने नहीं आया? तेरी जान पहचान का तुझे कोई वेलकम करने आया? तुझे तो बहुत इज्जत देते हैं वहाँ पे लोग, तेरे तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं वहाँ पे लोग, तुझे कोई वेलकम करने नहीं आया वहाँ पे? वाह भाई, बॉम्बे में तुझे कोई वेलकम करने नहीं आया, यहाँ पता चलता है कि तेरी कितनी इज्जत है। कह रही थी ना रेहाना बोस की तुझे दो बोटी किसी ने नहीं भेजी बकरा ईद पे हलाल की, जो कि तू हराम का खाती है इसलिए अपने घर की हलाल की दो बोटियाँ तुझे नहीं भेजी, समझे? क्या भेजते बकरा ईद पे जो सामान भेजते हैं वो इतना साथ तुझे किसी ने नहीं भेजा, क्योंकि तू जो हराम का खाती है, तू हराम का है, तू पैदा भी हराम की हुई हुई है, तेरे बच्चे भी हराम के हैं, इसलिए तुझे किसी ने नहीं भेजा। पता चलता है कि तेरे लोग कितनी इज्जत करते हैं, कितना तुझे समझते हैं। मुझे ये बताना, इसने उमरा करके आई, ये क्या हरकतें कर रही है, क्या हरकतें कर रही है, आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। और एक बात बोलना चाहती हूँ, मुझे ये बताना कि बिना रुपट्टे के नेल पॉलिश लगा के, नकली नाखून लगा के कोई सूर्य सिंह पढ़ता है क्या बिना वजू के? और रुपट्टा नहीं है आंख के ऊपर, मैं आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ ना वो वीडियो आप गौर से देखना और पूरा देखना। चलो अल्लाह हाफिज़। कैसा गया आपका दिन वो बताओ आज? अच्छा आपको नहीं पता मेरा दिन कैसा गया, आप नहीं थे मेरे साथ था ना,
अभी घर में बोर हो रही थी तो फिर वही पढ़ रही थी सूरह यासीन। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या लेकर आया? मालूम है पीस? पता है, आइसक्रीम लाया होगा? नहीं नहीं। या फिर कुछ चॉकलेट लाया होगा? नहीं नहीं नहीं। तो क्या लाया बता? वो पता है वो पिज्जा जो आपको भेजते हो लोग हर बार? हाँ हाँ। वो लोग का नया लॉन्च है तो उनका। हाँ तो मैंने डिस्कस किया और मैं बोला और तो और ये अगर सूरत गई तो वहां भी उसे वेलकम करने कोई नहीं आया। ये इतनी दूर से आई थी, कोई वेलकम करने इसका नहीं आया, इसे लेने कोई नहीं आया, ना इसका अंजुमन, क्या नाम है अंजुम, उसका बेटा बड़ा, वो भी लेने नहीं आया, कोई भी लेने नहीं आया, दामाद लेने नहीं आया, कोई भी लेने नहीं आया। कितनी तेरी इज्जत करते हैं, भागी भागी इधर कुड़ती है, मेरी फैमिली मेरी फैमिली मेरी फैमिली, तेरी फैमिली तुझे कुत्ते की बराबर तेरी औकात महान नहीं है। अपने आप तो बनती रहे, अपने आप जबरदस्ती जाती रहे, अपने आप बोलती रहे, वो लोग क्यों नहीं बोलते? निकाल के भी तुझे बाहर खड़ा कर सकते हैं, वो तुझे क्यों बाहर खड़ा नहीं करेंगे निकाल के? क्योंकि तू काले के साथ जाती है, तू काले की रखेल है, इसलिए तुझे निकाल के वो बाहर खड़ा नहीं कर सकते। नहीं तुझे कब का वो बाहर निकाल के खड़ा कर दे, अगर ये काला ना हो तुझे घर में भी ना घुसने दे, समझे? तो इतने गिफ्ट लेने के बाद भी किसी के चेहरे पे खुशी नहीं थी, किसी के चेहरे पे हंसी नहीं थी, किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, समझे? बच्चों को ही दिए जा रही थी, समझे? क्या ले, टॉफी बिस्किट ये वो, बस बच्चों को दिए जा रही थी और कुछ नहीं। उसे इमली दी ना बहू को, तो देखा तुमने उनका चेहरा देखा था, जैसे जबरदस्ती ले रही हो कि अरे चलो ले आई हो तो ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे ले आई हो तो ठीक है। बस कौन तेरी, कितनी इज्जत तुझे वहाँ मिलती है साफ दिख रहा है वीडियो में। जब वीडियो में वो ऐसा करते हैं तो उसके पीछे तो क्या हाल करते हैं, समझे? तुझसे बात भी नहीं करते तुझे, तू यहाँ तू जाहिल है, यहाँ तेरा जाहिलपना बराबर झलकता है कि देख तुझे दिखता है कि तेरी कितनी इज्जत है यहाँ पर, फिर भी तू उनका तलवे चाट रही है। क्यों क्यों तलवे चाट रही है तुम उनके? क्योंकि तेरी नज़र है उनके फ्लैट पे, तेरी नज़र है उनके घर की औरतों पे, तो इसलिए तलवे चाट रही है। तू कोई ना कोई ऐसा कांड वहाँ करेगी जरूर, जो तेरे ये लोग अभी तेरी मुट्ठी में नहीं आ रहे, ये लोग तेरी मुट्ठी में आ जाएंगे जब तू किसी लड़की को, इस घर की या किसी औरत को अपने काबू में कर लेगी, उसके कोई ऐसे क्लिप या कुछ ऐसे कैप्चर कर लेगी। अरे मैं सूरत वाली फैमिली से कहती हूँ, बच के रहो इससे, बहुत गलत औरत है, इसके घर जाओ, ध्यान रखना। ये बोबला जो लाए बाप, बोबला तो दीदी करके कह रहा था कि अरे मैं दीदी के लिए लाया हूँ, मिली दीदी तुम खाते हो ना, तुम देखना। ये बहू को कैसे दे दी? बहू ने ले ली, दीदी तो कोई आई भी नहीं। पता चलता कि हमारी छोटी अम्मी आ रही हैं तो आना चाहिए था ना, पता तो हो गई, ब्लॉग तो देखती होंगी कि हमारी छोटी अम्मी आ रही हैं, ये सामान ला रही हैं, जाएं। नहीं आएंगे, आराम से बुलाया जाएगा उन्हें, फ़ोन करके ज़बरदस्ती बुलाया जाएगा उन्हें, काला फ़ोन करेगा, वो ज़बरदस्ती आएंगी, समझे? अगर उन्हें अपने दिल से आना होता तो वो यहाँ तुझे सब मिलती, यहाँ घर पे आई हुई कि हमारी छोटी अम्मी है यहाँ पर आ रही है, तुझे छोटी अम्मी, तुझे कुत्ते की बराबर इज्जत कहीं नहीं है, क्योंकि तेरे कर्म ऐसे हैं, तेरे काम ऐसे हैं, तूने उनके बाप को अपना खसम बनाया है, तू उसके उनके बाप की रखेल है, रखेलों की कहीं इज्जत नहीं होती है, तू उनके बाप की रखेल है, इसलिए वो तुझे इज्जत देंगे? सवाल ही नहीं उठता, तुझे इज्जत देंगे वो दो कौड़ी की औरत को? हैं, हद हो गई। इज्जत बनाने से बनती है, पैसा खर्च करने से, गिफ्ट लाने से इज्जत नहीं बनती है काली मैना। इज्जत तो एक अलग ही रुतबा होता है कि आदमी के हाथ अपने आप उठ जाते हैं, समझे? वो एक इज्जत अलग होती है, वो रुतबा एक अलग होता है, जो तूने नहीं कमाया, तूने पैसा कमाया है वो भी गलत रास्ते से, समझे? तूने इज्जत नहीं कमाई। इज्जत और पैसा अलग अलग चीज़ है, और जिसके पास इज्जत भी है उसके जिस और पैसा भी है उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है। तेरे पास पैसा है लेकिन इज्जत नहीं है, क्योंकि तूने काम ऐसे करे हैं, गलत काम करके तूने पैसा कमाया है। तू चाहती है कि सूरत में तेरी इज्जत हो जाए? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि तूने तू उनके बाप की रखेल है,
समझी काली में ना, अमीना जी वाकई में सीधी लेडी है। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, खड़े होके कैसे कोने में देख रही है। उनके हस्बैंड को ले जाके तो गुलछर्रे उड़ा के आई है, अय्याशियाँ करके आई है उनके हस्बैंड के साथ। दुनिया वालों को दिखा के आई है कि देखो मैं इसकी रखैन हूँ, ये दिखा के आई है। तब भी अब वो खड़ी होके कैसे देख रही हैं, कितनी सीधी लेडी है वो। चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए उनका, हंस रही हैं वो, है ना। एक अंदर से जो दुखी इंसान होता है ना, चेहरे पे खड़े होके देखता है कि काश मेरा आदमी मेरे साथ भी ऐसा होता तो लगता है। वो हंसी उनके चेहरे पे थी। और कपड़े, तू कपड़े कौन से लेके गई है? तूने बच्चों वहाँ से केवल बच्चों के कपड़े खरीदे हैं बस, तूने बड़े का कोई कपड़ा वहाँ से नहीं खरीदा। तू केवल यहीं के सूट ले गई है निकाल के और वहाँ दिखा दिए कि मैं वहाँ से लाई हूँ, समझे। तू बेवकूफ़ उन्हें बनाना जो बन जाए तुझसे, हम जैसे को तो तू बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तूने बड़े लोगों का किसी कुछ नहीं खरीदा, केवल बच्चों का खरीदा है वहाँ से। अगर तू बड़े का खरीदती तो वहाँ बड़े का दिखाती। तूने अपने लिए खरीदे हैं तो तूने दिखाया है, तेरे बोबले ने खरीदा है तो तूने दिखाया है। तूने वहाँ सूरत वालों के लिए वहाँ से कोई शॉपिंग नहीं की है, बड़े लोगों के लिए तूने घर से कपड़े निकाल के ले गई है क्योंकि कॉलिब्रेशन में तेरे पास आते रहते हैं। तू इतनी गिरी हुई औरत है, मैंने ज़िंदगी में क्या सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अब पीछे सब देखती हूँ, वाकई में बहुत गिरी हुई औरत है। क्या बोलती है तू काले को साथ में लेके बोलती है? सुन उनकी बातें, सुन उनकी, उनके मैंने कहा ना उनके चक्कर में अगर उनके, वो कह रही ना तू रेहाना बॉस को उंगली कर रही है, वो पूरा हाथ कर देंगी तेरे, जानती नहीं है तू। और उनके घर के बच्चे हैं, तेरी तरह नहीं है कि लड़कियों को बुलाते हैं, या तेरी तरह नहीं है चोरी करते हैं। उनके दामाद बहुत अच्छे हैं दोनों, उनकी लड़कियाँ अच्छी हैं दोनों। और बात रही झगड़े की, किस घर में नहीं होती, सब घर में होती है, हर घर में होती है। तू रेहाना बोस को केवल इसलिए उंगली कर रही है क्योंकि तेरे व्यूज़ ना के बराबर है। तेरे 9 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद तुझे 50,000 बंदा नहीं देखता, समझे। साफ पता चलता है कि तेरे व्यूवर्स भी फेक हैं, खरीदे हुए हैं, समझे। तेरे व्यूज़ बिल्कुल गिर रहे हैं और इस वजह से तूने रेहाना बोस को उंगली कर रही है ताकि तू कंट्रोवर्सी हो, कंट्रोवर्सी हो तो तेरे तुझे लोग देखें। तू जितनी, तू कुछ भी कर सकती है व्यूज़ के लिए, कुछ भी, यानी कि कुछ भी, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था। तो मैं कह रही हूँ काली मैं ना, होश के खा ले, अच्छी तरह होश के खा ले। अगर तूने ज़्यादा उड़ी ना तो तेरे पंख ऐसे कटेंगे, ऐसे कटेंगे कि तू मुंह के बल जमीन पे गिरेगी, समझ गई। शर्म नहीं आती तू जैसे तुझे, तू वाकई में, मैं तो कहती हूँ अगर यहाँ कोई गलत कमेंट भी कर देता है तो इतना बुरा लगता है तुझे, लोग कितना गंदा गंदा बोलते हैं तब भी तुझे बुरा नहीं लगता। उसे काले को चिपकी रहती है, काले को पता नहीं क्या समझ रही है, क्या है वो। देख काला, अब देख तुझे कैसा रंग दिखाएगा, हो आया वो जहाँ जाना था, हो आया, समझ गए। मैं फिर कह रही हूँ काला तेरा कभी नहीं हो सकता, वो वहीं हो जाएगा जहाँ उसके बच्चे हैं, जहाँ उसकी बीवी है। काले का निका नामा दिखाना तेरा, तू मैं सही कह रही ना, रखैल, रखैल ही है तू उसकी, इज्जत चाहती है वहाँ पे अपनी। डूब मर कहीं, शर्म कर, तुझे कोई लेने तक नहीं आया, तेरा कोई वेलकम करने नहीं आया, शर्म कर, समझे। कौन आया, कौन जो घर के मेम्बर थे वहीं थे जाके पहुँच गए कि तेरी सास आई है, वो दरवाज़ा तक खोल दे रही है, तेरी सास आई है। कौन आई है तेरी सास? अरे ऐसी सास सड़कों पे जाने 360 फिरती हैं, वो सोचती होगी मेरे ससुर ने ऐसी सासें तो कितनी करके छोड़ दी, तू मेरी सास बन रही है, जाने कितनी सासें हैं मेरी ऐसी, तो मैं सबको सास मानूंगी क्या, समझे। तो जैसी सासें तो काले ने पता नहीं कितनी करी हैं और छोड़ दी, तू तो चिपकी हुई है उससे। और उसकी मेरे को ये बताना, कौन सी माँ ऐसे अपने जवान बेटे के साथ में फ़ोटो निकाल के ऐसा सोशल मीडिया पे दिखा के कि मेरा बेटा है। एक माँ के नाम पे ना तू कलंक के कलंक। और सुन, जो रात के 3 बजे मुझे कॉल आ रहे ना, तू नंबर मत हटा, तेरा जो टकला है ना बेटा उसको बोल, तेरा बेटा नहीं हो, तेरा यार है,
क्योंकि तेरे फोटो में दिख गया है कि तू उसके साथ में कैसा फोटो निकाली है, समझी? शर्म कर, एक माँ के नाम पे तू धब्बा है रे। हाँ, इसकी वजह से तेरे बेटे की शादी नहीं करा रही, खुद मजे ले रही है बेटे के साथ में, बुड्ढा कम पड़ रहा। अब बुड्ढे की तो ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग आई है ना मेरे पास, आज रात को 10 बजे लाइव में मैं आने वाली हूँ और वो सारी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी मैं, समझी? तू क्या मेरे को कम समझ मत, तेरे से डरती नहीं मैं, और जो मुझे DM में मैसेज करते ना। ठीक है फिर, आज के लिए बहुत गुस्सा था मुझे अंदर, बहुत बुरा लग रहा था मुझे, बहुत गुस्सा था अंदर, आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई सुबह के साथ, नई बातों के साथ और इसकी धज्जियाँ उड़ाने के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ओके।